इद्दत, इद्दत क्या है? डिवोर्स की बात की ही बात करूंगी क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ आपको, और मैं किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे इस वक्त नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अलग तरीके से अगर इद्दत को देखा जाए तो उसके कितने सिग्निफिकेंस है, उसका कितना फ़ायदा है हमारी ज़िंदगी में। इद्दत एक्चुअली आफ्टर डिवोर्स ये है कि आपके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंप्लीट हो और इद्दत ख़त्म हो जाती है। अब वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर आपको आपके इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से अगर आपको वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं तो आपके मेंस्ट्रुअल वो इद्दत कंप्लीट हो जाती है, और अगर आपको बहुत टाइम बाद आपके 1-2 महीने बाद होते हैं तो वो इद्दत होती है, लेकिन इद्दत 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ही होती है आफ्टर डिवोर्स। ये मुझे मुफ्ती साहब ने बताया था, ये मैं वही बता रही हूँ आपको, वही कन्वे कर रही हूँ। खैर, मुझे खुला का नहीं पता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खुला हियर। मुझे नहीं पता कि सारे मसलक में क्या डिफरेंसेस हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा उसका। मैं अभी सिर्फ डिवोर्स का, तलाक का बता रही हूँ जो शौहर की तरफ से होती है। ओके, तो उसका ये तो है कि वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं। मैंने इद्दत की थी, यस मैंने इद्दत की थी। मुझे इद्दत जो है वो दूसरी तरीके से समझ में आने लगी थी कि उसके दूसरी क्या वजूहत है, इस वजह से मुझे इद्दत करनी थी, और वो वजूहत मैं अभी वही शेयर करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। इद्दत का पीरियड हमें लगता है कि हमें बंद कर दें, हम बंद हो जाएं एक कमरे में, एक घर में, और हम कितने सफोकेट हो जाएंगे, हम कितने जो है वो परेशान और ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम किसी से सोशलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग क्योंकि अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है हर तरह की बातों से, हर तरह की चीज़ों से, दुनिया से, दुनिया की नज़रों से। और दिस इज़ रियली नाइस क्योंकि आप उस वक्त जो है वो हर चीज़ से प्रोटेक्टेड रहते हो, स्पेशली आफ्टर डिवोर्स। लोगों की हज़ार किस्म की बातें होती हैं, करोड़ों किस्म की बातें होती हैं, तो आपको अल्लाह ताला उससे प्रोटेक्ट रखना चाहता है। दैट इज़ वाई अल्लाह ताला ने ये आपको टाइम दिया है टू हील। इट इज़ द टाइम फॉर योर हीलिंग। और हीलिंग के साथ साथ जो मुझे समझ में आता है कि वैसे भी इस्लाम में अगर कोई मर जाता है, कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार भी अगर मर जाता है, तो उसका भी आपको जो सोग कहा है, जो 3 दिन तक का सोग कहा है सिर्फ, कि आप 3 दिन उसको मौन करो, लेकिन चौथे दिन से ठीक है आपको अफसोस है, आपके दिल में वो बहुत तकलीफ है उस लॉस को लेकर, लेकिन चौथे दिन से अपने अपने काम पे लग जाओ, बैठे नहीं रहो घर पर, क्योंकि तुम जितना उसमें बैठे रहोगे तुम उसी में घिरे रहोगे, इसलिए तुम्हें दुनिया में अब दोबारा से निकलना है। 3 दिन के सोग के बाद अब आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लगना है। तो मुझे उस वक्त यही समझ में आया कि अल्लाह ताला ने जब किसी की डेथ पर जो है वो 3 दिन का सोग कहा है, तो यानी आप 3 दिन बैठ कर उसके बारे में बातें कर सकते हो, उसके बारे में रो सकते हो अपने हर काम छोड़कर, लेकिन चौथे दिन से आपको अपनी जिंदगी में लगना होता है। तो मतलब तो ये तो नहीं हो जाता कि आप चौथे दिन से जो है वो उसको भूल जाओगे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करनी है। तो अल्लाह ताला ने इद्दत क्यों रखी है, अल्लाह ताला ने इद्दत का पीरियड ऐसा क्यों रखा है? फिर मैं उस पर सोचने लगी, उस पर गौर करने लगी, एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग सो मैनी लेक्चर्स ऑन इट, इस्लामिक लेक्चर्स के क्या है। तो मुझे जो सब कुछ सुनने के बाद उस वक्त समझ में आया, इद्दत का पीरियड सिर्फ ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर, उसी मेमोरीज को लेकर उन्हीं को रिवाइंड करते रहो, उसी में जकड़े रहो कि ऐसा हो गया और ऐसा होता था, इस चीज़ से ये चीज़ थी, इस चीज़ से ये चीज़ थी, अब ये होता था, हमारी लाइफ ऐसी चल रही थी, और अभी हमने सोचा था इस महीने हम ये करेंगे, या तो ये सोचते रहो, यही सोचते रहो, या फिर सोचो कि अब आगे क्या करना है, अब आगे कैसे जाना है, अब आगे इस चीज़ को कैसे लेकर चलना है, इस बच्चों बच्चे हैं तो उनको आगे कैसे लेकर चलना है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं हो यहाँ सफ़र करने वाले, वहाँ बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी सफरिंग बताऊँ, मुझे जो अपने एक्सपीरियंस समझ में आई है, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, चेंज ऑफ माइंड सेट्स, के अब जो है वो वाला हम नहीं देख सकते, अब हम जिंदगी भर माँ बाप को साथ नहीं देख सकते, ठीक है? तो बहुत बड़ी सफरिंग उनके लिए भी है, तो उस चीज़ को कैसे लेकर चलना है। अगर पूरा इद्दत का पीरियड ये सोचो कि तुम उसके साथ रहते हो और तुम रो रहे हो क्यों, तुम्हें उसके साथ रहना था, वो हमारे लिए हमें समझ लेता, वो हमें हमने उसके लिए इतना किया, वो थोड़ा सा सोच लेता, उसका फायदा नहीं है। एक चीज खत्म हो गई जो कि गलत नहीं है, गलत नहीं है, किसी तौर से गलत नहीं है, आप दोनों की आपस में नहीं थी सही बातें, नहीं था चल रहा था मामला, तो अलग हो गए, एंड इट्स गुड फॉर यू इन एवरी वे। तो इस चीज़ में लगे रहने का नाम नहीं है इद्दत, इद्दत है हीलिंग। हीलिंग के बाद आपको सोचना है अब आपको अपनी आगे की लाइफ लीड कैसे करनी है, आपको आगे कैसे इसको लेके जाना है, दिस इज इद्दत, ठीक है? और इद्दत इसीलिए करो, मैं तो इसीलिए मशवरा दूंगी कि इद्दत आप करो, क्योंकि
इद्दत करने की वजह से आपका माइंड बहुत क्लियर होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ये हो गया है इन दैट पीरियड ओनली, कि अब ये हो गया है एंड देयर इज नो रिवर्स काइंड ऑफ थिंग एवर गोइंग टू हैपन। कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ रिवाइंड ही नहीं हो सकती। दुआ हम करते हैं काश काश काश, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, और सिर्फ आपके चाहने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके चाहने से अगर हो जाना होता तो आप वहीं पर होते ना। तो जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं उसको एक्सेप्ट करो कि दूसरे बंदे को आप नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, दूसरे बंदे ने आपको छोड़ दिया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। एब्जॉर्ब द फैक्ट दैट यू वर अनवांटेड, आप नहीं चाहिए थे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है। एक अगर आप सोचो कि मैं किसी की लाइफ में अनवांटेड थी और मैं क्यों चाहती हूँ फिर उस चीज़ में जाना, मैं क्यों चाहती हूँ कि मैं उधर ही जाऊँ जहाँ मैं नहीं चाहिए हूँ किसी को, तो मैं उधर क्यों जाऊँ और मैं अपनी वैल्यू मजीद क्यों गिराऊँ, अपनी नज़रों में भी और बाकी सबकी नज़रों में भी गिरते हुए देखूँ। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता क्या सोच रहा है दूसरा, नहीं पड़ता, सिर्फ एक इंसान से ही फर्क पड़ता और किसी से नहीं पड़ता था। लेकिन अगर उसको नहीं चाहिए हो आप, तो एक्सेप्ट इट, और बहुत ग्रेसफुली डिग्निफाइड तरीके से एक्सेप्ट द फैक्ट कि खत्म है आपसे, और अब मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाना है, ऐसे ही लेकर जाना है, मुझे आगे का सोचना है, मुझे आगे का देखना है, आगे का करना है, सब कुछ जो है वो अब मेरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है आफ्टर अल्लाह, कि मुझे अब इस जिंदगी को कैसे गुजारना है। आपकी कोई मजबूरी है निकलने की, आपको कोई मजबूरी है, जैसे मेरी मजबूरी थी, अबू बकर वॉज अ क्लेफ्ट बेबी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो क्लेफ्ट बेबी था, तो जैसे होंठ कटा हुआ होता है तो उसके बहुत से अपॉइंटमेंट्स होते थे एवरी वीक, तो मुझे हॉस्पिटल जाना था एंड आई आस्क्ड मुफ्ती साहब के मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा अगर कोई भी नहीं है तो ऑब्वियसली आप जा सकती हो, जस्ट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली एंड यू कैन गो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। तो मैं जाती थी हॉस्पिटल्स, बिल्कुल मैं जाती थी विजिट्स पर, और लेकिन जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है मैं वहाँ नहीं जाती, जहाँ मुझे नहीं पता है, जहाँ मर्द होंगे बहुत चीज़ें होंगी वहाँ मुझे नहीं जाना है। यार इट इज़ द टाइम टू हील, माई माई ओनली थिंग इज़ कि आपको पता है जब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त ज़रूरत है कि आप अपने आप के साथ रहो, तो जस्ट हील योर सेल्फ एंड सोचो कि एक्सेप्ट करो कि नहीं है वहाँ पर अब कुछ भी हमारा, अब जो है हम हैं और हमारे जो हमारे हमारी केयर करते हैं वो है। एक बात याद रखना, इस इद्दत के पीरियड में ये ज़रूर सोचना कि एक इंसान की वजह से तुम अपने आप को बर्बाद करने पे तो तुल गए हो, ठीक है, कि तो उसने तुम्हें छोड़ दिया या उसके साथ तुम्हारी नहीं चल सकी और चीज़ें खत्म हो गई, तो उसके पीछे तुम बर्बाद होने को तैयार हो, लेकिन जो तुम्हें बचपन से पाल रहे हैं, जो तुम्हें बचपन से देख रहे हैं, जो तुम्हारे साथ हमेशा से हैं, जो तुम्हें अभी भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो अभी भी तुम्हें जिनको तुम्हारा ख्याल है, तुम उनका नहीं सोच रहे हो, तुमने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि वो तुम है ही फॉर ग्रांटेड, पेरेंट्स तो है ही फॉर ग्रांटेड, क्योंकि वो तो खड़े ही रहेंगे, उनका क्या है, उसने छोड़ दिया। नहीं यार, वो बहुत कर रहे हैं, वो हमेशा से करते आ रहे हैं और वो अभी भी तुम्हारी वजह से भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत मसले हो रहे हैं जो वो बयान भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका सोचो। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत किया, बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो जिसने छोड़ दिया, द वन हु अबंडन मी एंड माई किड्स, वो इंपॉर्टेंट है या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उनका सोचते हुए अपनी लाइफ पे कुछ करूँ, मेरे लिए वो शख्स इंपॉर्टेंट है या मेरी बहन और बहनों ही इंपॉर्टेंट है जो हर उम्र पे जा रहे थे एंड मक्का पे नजर पड़ने के बाद उन्होंने मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ की, वो इंपॉर्टेंट है या वो शख्स इंपॉर्टेंट है जिसने सोचा ही नहीं कुछ भी। थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन योर सेल्फ, मैं बार बार कहती हूँ वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड इद्दत इज द बेस्ट पीरियड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आई होप दिस हेल्प्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।